दीपिका और शुएब ने बेटे का कराया अकीका, कपल ने बेबी बॉय के कटाए बाल, अकीका के दौरान बेटे को गोद में लिए नजर आए शुएब। टीवी के सबसे फेमस कपल में से एक दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने बेटे रूहान का अकीका समारोह कराया, जिसके झलकियां उन्होंने फैंस के साथ शेयर करके सभी को खुश कर दिया है। दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम इस वक्त अपने बेटे के साथ हैप्पी स्पेस एंजॉय कर रहे हैं। वो अपने बेबी रूहान के साथ खुशी भरा वक्त गुजार रहे हैं, तो वहीं ये कपल अपने खूबसूरत पलों को यूट्यूब पर व्लॉग के जरिए फैंस के साथ शेयर भी करते रहते हैं। इसी बीच दीपिका और शोएब ने हाल ही में अपने बेटे का अकीका समारोह कराया, जिसका ब्लॉग शेयर कर दीपिका और शोएब ने कुछ झलकियां फैंस के साथ शेयर की हैं। बता दें कि अकीका एक इस्लामिक रस्म होती है, जिसमें सातवें दिन नवजात शिशु का सिर मुंडवा दिया जाता है। ये एक बच्चे की नई आध्यात्मिक जर्नी का प्रतीक है। हिंदुओं के मुंडन समारोह की तरह अकीका इस्लाम धर्म में नवजात शिशु के लिए एक अहम रस्म है। वहीं उस व्लॉग के बाहर आने के बाद फैंस ने सवाल पूछने भी शुरू कर दिए थे। फैंस का पूछना था कि ये रस्म बच्चे के जन्म के सातवें दिन पर होती है, तो इसे कराने में इतनी देरी आखिर क्यों हुई? जिसके बाद रूहान के पापा शोएब इब्राहिम ने देरी होने की वजह का भी खुलासा किया है। शोएब ने बताया कि वो जानते हैं कि बच्चे के जन्म के सातवें दिन अकीका किया जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करा सके क्योंकि रूहान एक प्री मैच्योर बेबी था। उन्होंने कहा, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी, जिस वजह से हम उस टाइम पर अकीका नहीं कर पाए। व्लॉग में शोएब ने अपने बच्चे के सिर मुंडवाने की रस्म भी साझा की। उन्होंने अपने बच्चे को गोद में उठा रखा था। इस दौरान मम्मी दीपिका पादुकोण को शांत रखने की भी कोशिश कर रही थी। हालांकि कपल ने अपने बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने उसके मुंडन सिर की झलकियां साझा की और वो बेहद ही क्यूट लग रहा था। आपको बता दें कि टीवी के फेमस कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम का बेटा रूहान करीब एक महीने का ही हो चुका है, और इस वक्त ये कपल अपने बेबी बॉय के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और खूब एंजॉय भी कर रहा है। वहीं अभी कुछ दिन पहले शोएब ने मम्मी दीपिका का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। शोएब ने उनके बर्थडे पर भर भर के तोहफे दिए थे, उन्हें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिले थे, इसमें डिजाइनर शॉल बैग कपड़े शामिल थे। दीपिका की ननद ने भी खास गिफ्ट्स दीपिका को दिए थे। शोएब ने दीपिका के लिए घर में खास डेकोरेशन भी करवाई थी। इसके अलावा एक फैमिली डिनर भी प्लान किया गया था। वहीं कुछ दिन पहले टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने इस बात को भी साफ कर दिया था कि वो अब ग्लैमर की दुनिया से ब्रेक लेंगी और अपने परिवार और बेटे के साथ टाइम स्पेंड करेंगी। दीपिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो बेटे को टाइम देंगी और फिलहाल टीवी और एक्टिंग से दूर ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ए24।